फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और क्या करते हैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स, और किन किन फील्ड्स में डील करते हैं, और सोसाइटी के लिए क्या यूज़फुल ऐसा काम करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें वो बेनिफिट देता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, और आखिरी तक बने रहिए आप, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छी तरह से चैनल पे मिलती रहे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है एक साइंस की ब्रांच है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को और प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, और उन सब प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मार्केट प्लेस तक पहुंचाते हैं उसको फाइनल फिनिशिंग करके। और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो रहते हैं मोशन, एनर्जी और फोर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉस हैं, उन सब को यूज़ करके जो कंपोनेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं, और उसकी इफिशेंसी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी और एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट को देखते हुए एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं जो कि हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़फुल रहता है। जैसे कि आप एक सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट ले लीजिए और एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट ले लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स मतलब हर चीज़ में आपको मिल जाएंगे। एक साइकिल के एक स्क्रू से लेकर और एक हेलीकॉप्टर के इंजन से इंजन तक सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स आपको करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी फील्ड है ये मैकेनिकल इंजीनियर जो है, एक दुनिया को बदलने का काम करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स देखिए मेक अ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर को जो करियर है वो जो ह्यूमन नीड्स के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है उन सबको फुलफिल करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। और जो मैकेनिकल इंजीनियर जो प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड के लिए किसी न किसी वे में यूज़फुल रहता है। जैसे कि आप इंजन्स को ले लीजिए, जो आईसी इंजन है उसी की मदद से हम जो अपने व्हीकल हैं, ऑटोमोबाइल है, उसको यूज़ कर पाते हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स ही डेवलप करते हैं। और एक एरोप्लेन ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, शिप ले लीजिए, सब जगह आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स मिलेंगे। और जो ये डेवलप करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोडक्ट को, ये एनर्जी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज सबको ध्यान में रखकर करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर्स ने एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिससे कि जो आने वाले समय में हमारा पोल्यूशन है वो कम हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकें। तो बेसिकली ये काम तो रहता है मैकेनिकल इंजीनियर का। और देखिए एजुकेशन की बात करिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स में वो काम करते हैं। इसके आज के टाइम में देख सकते हैं मैकाट्रॉनिक्स आ गए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है इसमें। और जैसे रोबोटिक्स मान लीजिए, रोबोटिक्स जो है वो मैकाट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। और कहने का मतलब ये मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत ही इंजीनियरिंग जो है बहुत ही वाइड फील्ड है, जिसको आप चुनेंगे तो आप करियर में और एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या काम करते हैं और सोसाइटी को कैसे चेंज करते हैं। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाली वीडियो में और भी मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में आपको बताते चलूँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।